हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की 27 तारीख को होने वाले एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का। आज सेकंड पार्ट हम लोग बना रहे हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले फर्स्ट भाग वीडियो आपका यूट्यूब पे आया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है आपको आई लिंक पर दिखाई पड़ रहा होगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए प्यारे बच्चों, तब आज की वीडियो को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो है आज की वीडियो में हमने जो आपको बताने वाले हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों का आप लोग एक बार जरूर जो है ध्यान देके जाइएगा, इन सभी प्रश्नों को हल करके जाइएगा। ये सब सारे प्रश्न आपके उस एग्जाम में काफी मदद करने वाले प्यारे बच्चों। और एक बार सभी बच्चों से हमारा एक ये रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जब साइंस का एग्जाम दे के आएंगे, साइंस का पेपर दे के आएंगे, वो कोड का उनका पेपर हुआ रहेगा, पेपर वो पेपर जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है जरूर सेंड कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आपका वो जो पेपर है हम सॉल्व करा देंगे, जिससे आप आकलन कर लीजिएगा कि आपके नंबर कितने आए हैं एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण के फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात जो भी आज हम प्रश्न बात करेंगे वो बहुविकल्पी रहने वाला है, वो एकदम महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्यारे बच्चों इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, जो हम लोग बहुविकल्पी आपको बता दे रहे हैं, इससे बाहर कहीं भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट अप करेगा प्यारे। और 27 फरवरी को आप जो है इस वीडियो को देखकर, सभी वीडियो को देखकर प्यारे बच्चों 27 फरवरी को आग लगा दो। मतलब आग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप माचिस लेके जाओ और वहां आग लगा दो। आग लगाने का मतलब है कि सारे प्रश्न को तोड़ फोड़ डालो, एकदम करके आ जाओ, ऐसा लगे ही ना कि आप लोगों को डर लग रहा है किसी प्रकार का। तो प्यारे बच्चों चलिए भाग वन भौतिक विज्ञान है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप ऑप्शन आपको चार दिखाई पड़ रहे हैं, एक पहला वक्रता गेंद, दूसरा दर्पण के पीछे, तीसरा अनंत पर और चौथा ध्रुव पर। प्यारे बच्चों जब भी हम अवतल दर्पण के फोकस पर कोई भी वस्तु रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। प्यारे बच्चों अनंत पर बनता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। किस पे बनता है प्यारे बच्चों? अनंत पर बनता है। अनंत पे बनता है, उल्टा बनता है, काफी बड़ा बनता है। प्यारे बच्चों इस बात को भी नोट करते चलिए कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, मतलब प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम दर्पण के सूत्र से इसको फाइंड आउट करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। उस फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों वो आएगा ये 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के। अब प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न एकदम आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछने वाला है कि निम्न में से सबसे कम प्रकाश की चाल होती है, मतलब हीरे में, जल में, कांच में और केरोसिन, इन चारों में से प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है। तो प्यारे बच्चों जो हीरा होता है वो इन लोगों की तुलना में सघन, अधिक सघन होता है, इसलिए हीरे में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हीरे में जो है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। चलिए प्रश्न नंबर चार की बात करेंगे, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है, मुख्य फोकस की इकाई होती है। तो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब आप सोचिए कि वर्ग मीटर तो एरिया का इकाई होता है ना, अर्थात ये तो होने वाला नहीं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो है इकाई होती है परंतु ये बहुत छोटा इकाई होता है, ये बहुत बड़ा इकाई होता है। प्यारे बच्चों मुख्य फोकस की जो इकाई होगी वो क्या होगा, मीटर होगा, अर्थात मुख्य फोकस की जो इकाई है वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न का,
पांचवा प्रश्न क्या करा कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। हमने पढ़ा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे आता है, अर्थात बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर छठवें की। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए छठवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कोई भी दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वो दर्पण कौन सा है। मतलब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर एक ऐसा दर्पण बताना है, एक ऐसा दर्पण सिलेक्ट करना है जो कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाए। तो अगर आप अवतल सोच रहे होंगे तो अवतल दर्पण प्यारे बच्चों केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनाता है, जिस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो यानी ये तो हो नहीं सकता। अब उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों बनाता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सीधा बनाता है और समतल भी बनाता है। तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि समतल और उत्तल दर्पण एक ऐसे दर्पण होते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर पूछ ले कि अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अधिकतम दूरी होती है प्यारे बच्चों अनंत होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो ही वह प्रतिबिंब वस्तु दिखाई पड़ता है। तो कोई भी मनुष्य हो उसका अगर नेत्र में कोई भी दोष नहीं है तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है प्यारे बच्चों वो रेटिना पर ही बनेगा। रेटिना के आगे बनने लगता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, रेटिना के पीछे बनता है प्यारे बच्चों कौन सा दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में किया था। नौवां प्रश्न क्या करा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, यानी जो अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं, अंतरिक्ष में यात्री जो होते हैं उनको वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों को आकाश जो है काले रंग का दिखाई पड़ता है और हम लोगों को यहाँ से नीला दिखाई पड़ता है। तो ऐसा अंतरिक्ष वाले यात्रियों को नीला नहीं दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, यानी कौन इसमें से प्रयुक्त होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से लेंस का उपयोग करने वाले हैं, फट से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। हमको पता है जो अवतल लेंस जो होता है उसी का हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने के लिए प्रकाश को फैलाने की जरूरत पड़ती है और फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके 10 प्रश्न जो थे वो बहुविकल्पी फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने सभी 10 प्रश्नों को आपको आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों को प्यारे बच्चों काफी मेहनत करके हमने पढ़ाया है। चलिए अब हम भाग दो की बात करेंगे जो कि रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपसे कर रहा है, निम्न में से कौन सा धात्विक तत्व है। तो बताओ ये धात्विक है कि ये धात्विक है कि ये धात्विक है कि ये धात्विक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका क्या है, धात्विक है। तो इस पे आप क्या लगा लीजिए, टिक लगा दीजिए, अर्थात लिथियम जो है एक धात्विक तत्व होता है। चलिए आगे सेकंड नंबर प्रश्न करा, पीतल है, पीतल मतलब उपधातु है या अधातु है या यौगिक है या मिश्र धातु है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि पीतल एक प्रकार का क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पीतल में कई प्रकार के धातुओं का मिश्रण किया जाता है, इसीलिए पीतल एक कौन सा धातु होता है, मिश्र धातु होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को जो है एकदम। तीसरा प्रश्न आपसे करा, मुद्रा धातु कौन सा है, इन धातुओं में से मुद्रा धातु कौन सा है, जिंक है कि आपका Mg है, Na है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, तो इन सभी में से कौन सा मुद्रा धातु होता है प्यारे बच्चों। तो इस तो जो आपका ये Ag है अर्थात सिल्वर जो होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर कौन सा धातु होता है, मुद्रा धातु होता है, कौन सा धातु होता है, मुद्रा धातु होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उदासीन होता है कि कोई नहीं होता। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है भैया, अम्लीय होता है, इसलिए अम्लीय पे हम लोग क्या लगा देंगे, लाख
लगा देंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन न तो उदासीन होगा न तो क्षारीय होगा, ऑनली क्या होगा प्यारे बच्चों, अम्ली होगा। प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर जल से अभिक्रिया करने वाले धातु का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करने वाली जो धातु होता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जल से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, मतलब एल्युमिनियम की जो पृष्ठ होती है, एल्युमिनियम की जो सरफेस होती है, उसमें अगर ऑक्सीजन की जो परत बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया है पहला एनोडिंग, बी नंबर केटिनेशन, तीसरा जो है विस्मरीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एनोडिंग कहलाता है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनने को हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। सातवां प्रश्न है कि धातु है, आपको प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा आपका धातु है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका ये लिथियम है ये एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। आठवां प्रश्न कह रहा है अधातु है, अर्थात अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा अधातु होता है। तो प्यारे बच्चों जो अधातु होगा वो क्या होगा, तो जो प्यारे बच्चों आठवें का जो जवाब है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि अधातु है, ऑप्शन नंबर आपका ए फिर बी फिर सी फिर डी इतने दिए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरीन वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात फ्लोरीन एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नौवां प्रश्न पहले यहाँ डैश डैश दिया है, यानी यहाँ भरना है कैसा, यहाँ क्या भरा जाएगा। आगे लिख रहा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस क्या कर दे, बना दे। तो प्यारे बच्चों वो जो सोडियम होता है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर भर दिया जाएगा। सोडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ठंडे तनु से अम्ल, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बना देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव पर पाया जाता है, इन चारों में से ऐसा कौन सा धातु है जो कि प्यारे बच्चों कमरे का ताप पर भी वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा होता है, पारा होता है प्यारे बच्चों, जिसे मरकरी भी कहते हैं। इस प्रकार आपका 10 प्रश्न केमिस्ट्री का भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे बायोलॉजी की तरफ, बायोलॉजी की तरफ 10 प्रश्नों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को जबरदस्त दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए क्लास अब हम बात करते हैं अगले बायोलॉजी के 10 प्रश्नों का। तो बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न है निषेचन के बाद फल में बदलता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है बाह्य दल, पुकेसर, अंडाशय या तीनों। तो प्यारे बच्चों जो अंडाशय होता है वही जो है निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। अगला दूसरा प्रश्न क्या है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, दो होती है, क्या होती है, दो होती है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पराग कण किसके अंदर बनते हैं, पराग कण किसके अंदर बनते हैं, पराग कोष के अंदर या अंडाशय के अंतर्गत, बाह्य दल पूंछ के अंतर्गत या नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों जो पराग कण होते हैं वो पराग कोष के अंदर बनते हैं, और जो है पराग कोष के अंदर ही पराग कण बनते हैं, इस बात को ध्यान देना। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अब किसमें होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मा में होता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है, कहां पर होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किसमें पोषण मिलता है, किससे पोषण मिलता है प्यारे बच्चों, उस बात को ध्यान दीजिए। तो जो प्लासेटा में जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। चलिए तो प्यारे बच्चों छठा प्रश्न क्या करा, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रयुक्त होता है, प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जो जीन होता है वो प्रयुक्त है, वो किस रूप में प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों, तो जो आपका ये है स्मॉल टी टी, यानी जो ये टी टी है यही मटर के बौने पौधे का जीन होता है। अगला क्या है सातवां प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, अर्थात 46 होती है प्यारे बच्चों। आठवां प्रश्न, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा प्यारे बच्चों, तो जो है आपका डार्विन ने जो है जातियों की उत्पत्ति पुस्तक लिखी थी।
चलिए अब हम बात करेंगे नौवें प्रश्न की। किंद्रक का निर्माण होता है, अर्थात किंद्रक का निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो न्यूक्लियो प्रोटीन में होता है। किंद्रक का निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन में होता है। दसवां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीवन का प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे के जीवन का प्रारूप होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल टी इंटू ये होता है प्यारे बच्चों टी। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो साइंस के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट करा दिया प्यारे बच्चों। 27 फरवरी को होने वाले एग्जाम में जो कुछ भी बहुविकल्पी प्रश्न है प्यारे बच्चों, इससे आउट ऑफ कहीं नहीं रहने वाला प्यारे बच्चों। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, फ्री हो जाइए क्योंकि सारा प्रश्न आपका यहीं से पूछने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।